नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारा कार्य करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तथा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रनिंग करते हैं। अगर हम उनसे वार्तालाप करें या उनके बारे में कुछ पूछें भी, क्या आप शरीर के लिए क्या करते हैं, तो वो अधिक मात्रा में यही कहते हैं भी मैं घर का कार्य करता हूँ या फील्ड का कार्य करता हूँ या रनिंग करता हूँ या मैं किसान हूँ। ठीक है, इस तरह की बातें को देखने को मिलती है। तो आप कहोगे आज क्या विषय है हमारा, तो विषय हमारा यही है कि हम हमारे शरीर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। क्या जो हम दिन भर में जो भी क्रिया करते हैं अपने शरीर के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए, क्या वो योग से बढ़कर है या योग से कम है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि हमारे कक्षा के अंदर एक विद्यार्थी आते हैं जो कहते हैं भी मैं शरीर के लिए रनिंग करता हूँ, बहुत कुछ मतलब काफ़ी किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। तो हमने उसको ये कहा कि खेल खेल के दिखाइए, जो हम जिसकी जिस खेल के अंदर हमारा शरीर का पूरा इन्वॉल्व होता है, पूरा शरीर उस खेल के अंदर डिपेंड होता है, यानी कि उस खेल के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक ऑर्गन कार्य करता है, चाहे वो मस्तिष्क है, चाहे आपका प्रत्येक अंग है, उसके अंदर सभी ट्विस्टिंग आ जाती है, चाहे कमर कमर की जो ट्विस्टिंग है वो सब आ जाती है। तो जैसे ही उसको हमने कहा तो उसने कार्य शुरू किया, तो देखने को ये मिला कि वो जल्दी से हाँफ रहा है। उसकी सांसें का तीव्र गति से होना, या आपने देखा होगा पेट में दर्द होना, इस तरह की समस्या उसके उत्पन्न हुई। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहता भी पता नहीं, मैं तो रनिंग काफ़ी करता हूँ, फिर सांस इस तरह पता नहीं क्यों मुझे दिक्कत पैदा कर रही है। तो हमने उसको ये बताया भी आप रनिंग करते हो, ठीक है, तो रनिंग में आप एक सीमित एरिया का एक आपका टारगेट होता है, यानी कि आपका अचीवमेंट है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, इस व्यक्ति से मुझे आगे बढ़ना है, आपका टारगेट ये होता है। इसके अंदर आपका इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ होती हैं, आपका माइंड इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर आता है, और आपकी शोल्डर मोमेंट, क्योंकि रनिंग करते हैं शोल्डर मोमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर, और आपकी जो लेग का भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होता है, चाहे आपके घुटने हैं, चाहे टखने हैं, ताकि चाहे आपका ऊपर का जॉइंट है, यानी कि लेग पूरी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या खेल खेलने से हमें क्या इसका उपयोग होता है, नहीं होता। किंतु जब हम खेल खेलते हैं तो ऐसा क्या होता है, तो दोस्तों खेल खेलने में हमारे शरीर की प्रत्येक ऑर्गन जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं, 9 प्रकार के तंत्र, वो सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब आप कहोगे किस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे मन के अंदर एक भावना होती है, वो होती है कि मुझे परफेक्ट करना है, मुझे इससे परफेक्ट करना है, या मुझे अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको हराना है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। और क्या होता है, हमारी उस क्रीड़ा के अंदर काफ़ी रुचि होती है, काफ़ी मज़ा आता है खेलने में, ठीक है। और क्या होता है, हमें इसमें कमर की ट्विस्टिंग रहती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है, और अप सिट अप भी हो रहता है हमारा, यानी कि नीचे बैठना, खड़े होना, ठीक है, और दब के पैरों से भागना, इस प्रकार की बहुत सारी खेल हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अब योग में ऐसा क्या सिस्टम है कि भी योग क्यों जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों योग के अंदर आपकी जितने प्रकार की बेंडिंग हैं या जितने प्रकार के शरीर के मुड़ाव हैं, उन सभी की क्रिया होती है, श्वासों पर भी ध्यान दिया जाता है,
ठीक है, यानी कि आप रनिंग करते हो तो एक सांस की सीमित अवस्था रहती है, लेकिन योग और प्राणायाम करने से आपकी वो सीमित है, असीमित हो जाती है। ठीक है। और दोस्तों, अगर जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन प्राणायाम करता है या योग करता है, वह व्यक्ति आप रनिंग कर सकता है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य वो कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है जो व्यक्ति एक रनिंग करता है और एक योग करता है। ठीक है। और मैं भी ये भी बता दूं कि जो किसान होते हैं वो कहते हैं भी हम दिन भर में कार्य करते हैं, फील्ड का कार्य करते हैं, हमें ये भी योग करना जरूरी है। जरूर दोस्तों, ये भी कार्य जरूरी होता है। दोस्तों, जो फील्ड का कार्य है वो एक सीमित टाइम में होता है, एक सीमित अंतराल में होता है। उसमें ये रहता है भी हमारा ये जो कार्य है वो इतना ही है, उसको कंप्लीट करना है। दोस्तों, उसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी औजार से की सहायता से खेतों में कार्य कर रहे हैं तो आपके शरीर पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने कभी भी लाइफ में रेगुलर जो कार्य नहीं किया है, इसी भी आपकी कमर में दर्द आना, पिंडलियों का टाइट होना, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो योग और प्राणायाम के द्वारा उन समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। ठीक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग प्राणायाम करता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का व्याधि उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो किसान है, चाहे वो धावक है, चाहे वो किसी भी फील्ड का प्लेयर है। तो इसलिए दोस्तों, योग और प्राणायाम हमारे नित्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये भी है कि अगर योग और प्राणायाम को नहीं अपनाएंगे तो हम कहाँ होंगे। ठीक है। यानी कि आज की जो फील्ड अवस्था है हमारी, आज की जो हमारी जहाँ से हम आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम फसल बोते हैं, या फिर यानी कि मान सकते हैं कि जो हम सब्जी फल सब्जी खाते हैं, क्या वो उतनी पौष्टिक है जितना हमें शरीर को चाहिए। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने खेत को यानी कि अपनी फसल को या अपनी ज़मीन को इतना खराब बना रखा है, खराब नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने धीरे 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 इसमें परिवर्तन करते गए। इसी वजह से जो हम आज जैसे कि DP यूरिया या फिर अलग अलग प्रकार की कीटनाशक उस फसल के अंदर डालते हैं, तो उसके चलते ही हमें यानी कि डालने के पश्चात ही हमें अच्छी सी फसल या फिर फल सब्जी का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी फसल नहीं होगी, यानी कि वो भी ज़रूरी है। तो क्या जो शरीर को चाहिए, क्योंकि शरीर के आपको पता होगा शरीर के लिए बहुत ही ये चीज़ हानिकारक है, तो क्या अब इस फील्ड को, इस चीज़ को, इस परिस्थिति को देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो हमें योग और प्राणायाम को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें आहार से वो कार्य नहीं कर पाए, किंतु आहार को सही जगह यानी कि भोजन को सही जगह पचाने के लिए और उस अंग को हमें सही से वर्क कराने के लिए योग और प्राणायाम जरूरी है। दोस्तों, आज का विषय था हमारा ये, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें प्लीज़ कमेंट किया करो, टेक्स्ट मैसेज मत किया करो, ना ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में किया करो, क्योंकि हमारी टीम इस चीज़ को देखती है कि हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या हमारे क्या क्या इसमें कमियां आई हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो लगता है अच्छी लगी होगी, और हमें क्यों योग और प्राणायाम को अपनाना चाहिए। ओम।